जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने जो है अभी तक दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया अल्फाबेटिकल सीरीज़, और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो हमने कंप्लीट किया था पेयर फॉर्मेशन। तो ये दोनों टॉपिक जो है थे हमारे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के ही टॉपिक थे, और आज जो है हम तीसरा टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड है। उसी का सब टॉपिक है जिसका नाम है हमारा कोडिंग एंड डीकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डीकोडिंग। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कोडिंग एंड डीकोडिंग की, तो देखिए कोडिंग एंड डीकोडिंग जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से अकेले इकलौता ये ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे कम से कम जो है हमारे एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इवन यहाँ तक अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सुपर टेट एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और बात करें अगर एसएससी, जीडी और एसआई की, तो कम से कम इसमें जो है इससे इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है हम बात कर लेते हैं इसके टॉपिक की। तो यहाँ पर देखिए कि कितने टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर इस टॉपिक से जो है टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो 3 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला टाइप जो इसमें बनता है वो बनता है लेटर कोडिंग। ठीक है, हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसे कहेंगे हम अक्षर कोडिंग। ठीक है, और दूसरा टाइप जो इसमें बनता है वो बनता है हमारा नंबर कोडिंग। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे हम संख्या कोडिंग। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप इसी में बनता है वो हमारा बनता है मिक्स्ड कोडिंग, मतलब मिश्रित कोडिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित कोडिंग ये जो है इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, तो आज जो है हम चलिए बात करेंगे सबसे पहले अपने लेटर कोडिंग की, यानी अक्षर कोडिंग की। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, एक क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हम जो है पहला क्वेश्चन अपना जो है लेटर कोडिंग से जो है लेंगे। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है कि हैंड वर्ड को कोड किया है IBOE से। ठीक है, हैंड वर्ड को कोड किया गया है IBOE से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी। देखिए, इस क्वेश्चन की जो हमारे कंप्लीट लैंग्वेज होगी, जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा, वो ऐसे होगी कुछ कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड वर्ड को IBOE से कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, ये जो है पूरी लैंग्वेज होगी हमारे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर देखिए जो है हैंड वर्ड को कोड किया गया है IBOE से। तो यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं कि हैंड वर्ड में H से डायरेक्ट I बना है, A से B, N से O और D से E। ठीक है, यानी यहाँ पर +1 हुआ है हर लेटर में। ठीक है, हर लेटर में क्या हुआ है, +1 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि हर लेटर जो है पहले से पहला लेटर हमारा बना है, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा। ठीक है, तो जिस प्रकार हमारी कोडिंग ये हैंड वर्ड की गई है, सेम उसी प्रकार जो है हमें इस वर्ड को कोड करना है, जो कि हमारा क्या है, सिल्क। ठीक है, तो सिल्क को देखिए क्या करेंगे हम, +1 कोड करेंगे सभी में, +1
ठीक है, और पहले से पहला नंबर बनेगा तो प्लस वन करेंगे तो एस की प्लस वन टी, और आई प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा जे, और एल प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा के, और के प्लस वन हो जाएगा हमारा एल। ठीक है, तो इसकी कोडिंग हमारी क्या बन गई, टी जे के एल। ठीक है, टी जे के एल यानी हैंड वर्ड को कोड किया गया था आई बी ओ ई से, तो सिल की कोडिंग क्या निकल के आई, टी जी टी जे के एल। ठीक है, अच्छा अब अगर इसी क्वेश्चन को जो है हम कुछ इस प्रकार से लिखें कि हैंड वर्ड को कोड किया गया है, ठीक है यही वर्ड है हमारा, हैंड वर्ड को कोड किया गया है ई ई ओ बी आई से, ठीक है ई ओ बी आई से, तो अब जो है सिल्क की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, अब जो है सिल्क की कोडिंग क्या होगी, तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर भी हमारा प्लस वन ही हुआ है हर लेटर में। ठीक है, हर लेटर में हमारा प्लस वन ही हुआ है, लेकिन ये जो प्लस वन हुआ है हमारा, देखिए पहले में क्या हो रहा था, पहले में पहला लेटर पहले में चेंज हो रहा था, दूसरा दूसरे में चेंज हो रहा था, तीसरा तीसरे में, और चौथा चौथे में। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हमारा पहला लेटर चेंज हो रहा है लास्ट वाले में, दूसरा चेंज हो रहा है हमारा सेकेंड लास्ट में, और तीसरा चेंज हो रहा है थर्ड में, और चौथा चेंज हो रहा है हमारा फर्स्ट में। ठीक है, यानी यहाँ पर प्लस वन तो हो रहा है सभी में, लेकिन जो हमारी जो कोडिंग हो रही है वो हमारी कोडिंग हो रही है कुछ इस प्रकार से, पहला जो लेटर है उसका लास्ट नंबर लास्ट कोड है, दूसरा सेकेंड लास्ट, तीसरा थर्ड, और चौथा फर्स्ट में कोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसी इसको जो है सिल्क को भी ऐसे ही कोड करेंगे, सेम इसी टाइप से सभी में प्लस वन होगा, लेकिन पहला लेटर जो है वो किस में कोड हो जाएगा, वो लास्ट बन जाएगा, एस का टी, आई का जे, एल का एम, और के का एल। ठीक है, के का एम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एल का हो जाएगा एम। ठीक है, एल का हो जाएगा एम। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड क्या निकल के आया, सिल का एल एम जे टी, और यहाँ पे क्या निकल के आया था, टी जे एम एल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड को हमने जो है दो तरीके से कोड कर दिया। ठीक है, दो तरीके से, पहला हमने कोड किया था पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, लेकिन जो दूसरा हमने क्वेश्चन इसी का किया, यही जो है वर्ड लिया, तो इसकी कोडिंग हमारी क्या निकल के आई, एल एम जे टी। ठीक है, अब इसी अगर वर्ड को हम ऐसे कोड कर दें जैसे हैंड वर्ड को कोड किया गया है, इसी वर्ड को हम कोड कर दें बी आई ई ओ। ठीक है, बी आई ई ओ, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी, तब जो है हमारी सिल्क की कोडिंग क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा वर्ड वही है, और हमने जो है हर लेटर में प्लस वन ही किया है, हर लेटर में जो है हमारा प्लस वन ही हुआ है, लेकिन अब ये जो यहाँ पे ये कोडिंग हो रही है, ये हमारी कोडिंग कुछ इस प्रकार से हो रही है, ए जो है बी में चेंज हुआ और एच आई में, डी चेंज हुआ ई में, एच चेंज एन चेंज हुआ ओ में। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारे लेटर चेंज हो रहे हैं वो क्रॉस में चेंज हो रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, और सभी में प्लस वन ही हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, प्लस वन ही हो रहा है। इसी प्रकार जो है हम सिल्क कोड कोड कर देंगे, देखिए सभी में प्लस वन होगा तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, आई कोड हो गया जे में, एस का टी, के का एल, और एल का एम। ठीक है, तो इसका कोड हमारा क्या निकल के आया, जे टी एल एम। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों कि एक ही वर्ड को जो है हमने तीन प्रकार से कोड कर दिया, पहला हैंड को कोड किया था जिसमें पहला पहले में चेंज हो रहा था, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, लेकिन हमने दूसरा जब क्वेश्चन देखा तो इसमें क्या हो रहा था कि हैंड वर्ड को जो हम पहला जो हमारा लेटर था वो लास्ट में चेंज हो रहा था, दूसरा सेकंड लास्ट में, तीसरा थर्ड लास्ट में, और चौथा जो हमारा फर्स्ट में चेंज हो रहा था इस प्रकार से। ठीक है, फिर हमने उसके बाद देखा कि हैंड वर्ड को ही हमने कोड किया, लेकिन अब जो हमारी वो कोडिंग हो रही है ये कोडिंग कुछ इस प्रकार से हो रही है क्रॉस। ठीक है, ये कोडिंग कुछ इस प्रकार से हो रही है और सभी में प्लस वन ही हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक ही क्वेश्चन को जो है हमने तीन प्रकार से कोड किया। अब दोस्तों यही जो है हमें यहाँ पे देखना होता है कि ये जो हमारी कोडिंग हो रही है, ये जो कोडिंग हो रही है यहाँ, इसका क्रम क्या हो रहा है। ठीक है, किस क्रम में ये कोड हो रहा है,
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है टोटल थ्री टाइप के जो है हमारे पैटर्न बने हैं। पैटर्न को दोस्तों हम क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के पैटर्न हमारे क्या बने हैं, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए पैटर्न हमारा क्या बना था, पहला जो पैटर्न हमारा बना था वो हमारा बना था फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा पैटर्न बना वो बना हमारा रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। और उसके बाद जो तीसरा पैटर्न हमारा बना वो बना हमारा क्रॉस पैटर्न, ठीक है, क्रॉस पैटर्न। ये देखिए तीन टाइप के हमारे यहाँ पे पैटर्न बने हैं। देखिए ये है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, ये जो दूसरा हमने किया था इसको हम बोलेंगे रिवर्स पैटर्न, और ये जो तीसरा पैटर्न हमने बनाया इसको हम बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स और क्रॉस का, तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर देखिए हमारे कोई छः लेटर दिए गए हैं, फॉरवर्ड पैटर्न की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास छः लेटर दिए गए हमें, ठीक है, इस प्रकार से छः लेटर दिए गए हैं और इसको जो है अगले छः लेटर में चेंज किया गया है, तो यहाँ जो है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न में पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पाँचवा पाँचवें में, और छठा छठे में चेंज होगा, इस प्रकार से चेंज होंगे हमारे, ठीक है। और ये जो चेंज होने का सीक्वेंस होगा, ये जो चेंज होने का, यहाँ पे देखिए हर लेटर में प्लस वन हुआ था हैंड वर्ड जब हमने किया था, तो यहाँ पे ये जो चेंज होने का सीक्वेंस होगा ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा, है ना, एक लॉजिक में चेंज हो रहे होंगे। जैसे लॉजिक क्या बन सकते हैं हमारी, तो लॉजिक ये बन सकते हैं कि हो सकता है हर लेटर में जो है प्लस वन हो रहा हो सकता है हर लेटर में जो है प्लस टू हो रहा हो, या हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा हो, प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू, ठीक है, इस प्रकार से हो रहा हो, या हो सकता है माइनस वन भी चल रहा हो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, या माइनस टू माइनस टू माइनस टू, या इन्हीं दोनों का जो है मिक्स, जैसे माइनस वन एक में हुआ दूसरे में माइनस टू, फिर तीसरे में माइनस वन हुआ फिर चौथे में माइनस टू, इस प्रकार के सीक्वेंस को जो है हम लॉजिकल सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले में हमने किया प्लस फोर प्लस थ्री और दूसरे में हमने किया प्लस सिक्स, दूसरे में हमने किया प्लस सिक्स और तीसरे में हमने कर दिया प्लस प्लस अठारह, ठीक है, और चौथे में हमने कर दिया प्लस वन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारी ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकल सीक्वेंस हमारे ये इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम बात कर लेते हैं रिवर्स पैटर्न की अपने, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, जिसमें क्या हो रहा था, पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, ठीक है। अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स में जैसे हमारे पास छः लेटर दिए गए हमको, ठीक है, छः लेटर दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो चेंज होगा हमारा वो चेंज होगा कुछ इस तरीके से, पहला चेंज होगा लास्ट में, दूसरा सेकेंड लास्ट में, और तीसरा इस प्रकार से, सॉरी तीसरा इस प्रकार से, चौथा और पांचवा, और जो लास्ट वाला है वो पहले में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स पैटर्न, ये है हमारा रिवर्स पैटर्न। यहाँ पहला लास्ट में चेंज हो रहा है, दूसरा सेकेंड लास्ट में, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा और लास्ट वाला पहले में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही जो चेंज होने का सीक्वेंस रहेगा वो वही लॉजिकल सीक्वेंस रहेगा, यानी तो माइनस वन या प्लस वन या माइनस वन माइनस टू, इस प्रकार से जो है हमारा एक लॉजिक सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें क्रॉस पैटर्न की, तो देखिए क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जैसे हमारे हमें जो है चार लेटर दिए गए हैं और उनसे जो है चार लेटर में उन्हें चेंज किया गया है, तो क्रॉस पैटर्न का मतलब ये होता है कि ये जो चेंज होंगे हमारे कुछ इस तरीके से होंगे, हो सकता है दो दो का क्रॉस बन रहा हो यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे दो दो का क्रॉस बन रहा हो, या जैसे इन्हीं चार लेटर को हमने लिया, ठीक है, यही चार लेटर है हमारे, यहाँ पे हो सकता है कि तीन लेटर को जो है आपस में क्रॉस करके बनाया गया हो और चौथा लेटर एज इट इज जो है चेंज हो गया हो लास्ट लेटर में, या हो सकता है कि जैसे हमारे पास छः लेटर दिए गए हैं, ठीक है, छः दिए गए हैं
हो सकता है यहाँ पे तीन तीन का क्रॉस हो रहा हो, इस टाइप से तीन तीन का क्रॉस हो रहा हो। तो देखिए क्रॉस पैटर्न जो है इसमें जो है हमारी काफ़ी वेराइटीज आ जाती हैं, काफ़ी टाइप के जो है यहाँ पे क्रॉस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन पैटर्न, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। तो अब चलिए जो है हम इन्हीं तीन जो है पैटर्न की अपने जो है अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यही तीन पैटर्न नहीं है, इसके अलावा भी पैटर्न है, टोटल यहाँ पे 8 पैटर्न होते हैं जो हमने यहाँ पे आपको तीन पैटर्न यहाँ पे बताए हैं, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने अगले जो पैटर्न हमारे हैं। तो इन तीन पैटर्न की देखिए हम अच्छी तरीके से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा हम सबसे पहले उसमें चेक करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले हम उसमें चेक करेंगे फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड नहीं है तब हम जाएंगे रिवर्स पर, और रिवर्स भी नहीं है तब हम लास्ट में जाएंगे अपने क्रॉस पैटर्न पे। ठीक है, तो देखिए क्रॉस पैटर्न जो हमारा होता है ये बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, ज़्यादातर जो हमारे हैं ये फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इनकी जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन तीन पैटर्न्स की। तो दोस्तों ये हमारे चार क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट को कोड किया गया है BQHSD से, तो माइट का कोड यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले जो है आप कौन सा पैटर्न चेक करेंगे, आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, जिसमें क्या होता है पहला लेटर पहले में, दूसरा दूसरे में चेंज होता है, तीसरा तीसरे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो है लॉजिक क्या है, +1 +2 क्या है लॉजिक है, तो सबसे पहले आप जो है हर लेटर के ऊपर उसकी जो है प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, तो आपको जो है ये लॉजिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है ये चेंज किस प्रकार से हो रहा है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर जो है आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू जो है याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अल्फ़ाबेट की दोस्तों प्लेस वैल्यू आप कैसे याद करेंगे, देखिए एक वर्ड होता है हमारा इजोटी। ठीक है, इजोटी वर्ड होता है, आप सभी ने सुना होगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, 5-5 के पेयरिंग मतलब नंबरिंग होती है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, देखिए दोस्तों आज आपको करना क्या है, आपको जो है हर लेटर को आपको एक पैराग्राफ लेना है। ठीक है, एक पैराग्राफ लेना है जिसमें जो है इंग्लिश का पैराग्राफ होना चाहिए, जिसमें 2-4 लाइनें हों, और आपको करना क्या है हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है इसी इजोटी की सहायता से। ठीक है, इजोटी की सहायता, जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारा है एस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि एस जो है हमारा किस लेटर के पास आएगा इस इजोटी में, तो हमें पता है ST। तो देखिए टी का कोड क्या है, यहाँ पे हमारा 20 है, तो S इससे जस्ट पहले आता है, तो S का क्या हो गया 19 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें H, तो देखिए H क्या होता है, H कहाँ होता है, HIJ, J का होता है 10, तो H का क्या हो गया 8। ठीक है, H का हो गया 8। ऐसे ही बात करेंगे हम A की, तो देखिए A को तो सभी को पता है A का 1 प्लेस होता है। अगर हम बात करें M की, तो देखिए M किस लेटर के आप नज़दीक है इसको देखेंगे, तो M देखिए JKLM, यानी M जो है O से ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा MNO। ठीक है, MNO, तो O का कोड है 15, तो M का कोड क्या हो जाएगा 13, MNO। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको इजोटी की सहायता जो है से जो है हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू जो है लिखनी है, इससे क्या होगा आपको जो है लेटर के प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आपको जो है हर लेटर की प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी, याद हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों कुछ लेटर हमारे ऐसे होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू उन्हीं के अंदर ही छिपी रहती है, अगर हम उनको ध्यान से देखें। जैसे देखिए हम अगर लिखें जी, ठीक है, तो जी में देखिए हमें क्या यह दिख रहा है, जी में हमें 7 दिख रहा है, यानी जी का कोड क्या हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, जी में क्या दिख रहा है हमें 7 दिख रहा है, तो जी का कोड हो गया 7। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक सबमिट होती है जी सेवन सबमिट होती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें H को, तो देखिए H को ऊपर से बंद कर दिए, नीचे से बंद कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 8। तो H की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 8। दूसरा अगर देखिए हम I को लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये I जो है हमें किस नंबर की शेप दे रहा है, ये हमें 9 की शेप दे रहा है, तो इस प्रकार I का कोड क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें M की, ठीक है, अगर हम बात करें M की, तो देखिए अगर M को हम घुमा दें तो ये किसकी शेप देगा हमको,
ये शेप देगा हमें थ्री की, ठीक है, किसकी शेप देगा हमें थ्री की। अब देखिए थ्री जो है वो होता है सी का, थ्री होता है सी का, तो थ्री तो एम का होगा नहीं, तो एम का क्या हो जाएगा यहाँ, एम का हो जाएगा तेरह। इसी प्रकार से आप जो है डब्लू का भी याद कर सकते हैं, तो देखिए डब्लू भी जो अगर इसको घुमा दें तो ये भी तीन बनेगा, तीन बनेगा। अब हमें पता है सी जो है सी का होता है तीन, एम का तेरह, तो डब्लू का कितना हो गया तेईस, ठीक है, डब्लू का हो गया तेईस। इसी प्रकार से जो है आप याद कर सकते हैं टी का, तो देखिए टी का कैसे याद कर सकते हैं, एक हमारा क्रिकेट में वो होता है टी ट्वेंटी क्रिकेट होता है, टी ट्वेंटी क्रिकेट, तो इसको हम टी ट्वेंटी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही के को याद कर सकते हैं, देखिए के में एक जो है हमारी टीम होती है आईपीएल में, क्रिकेट में आईपीएल जो होता है उसमें एक टीम होती है किंग्स इलेवन पंजाब, ठीक है, तो वहाँ से हम यहाँ इसके याद कर सकते हैं कि के का क्या हो जाएगा गेरा, किंग्स इलेवन पंजाब, ठीक है, के का गेरा किंग्स इलेवन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कुछ लेटर की प्लेस वैल्यू हमारे उसी के अंदर ही छिपी रहती है, तो इस प्रकार से इनको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं देखिए क्वेश्चन पे, तो हमने क्या बताया, अगर आपको जो है लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, हर लेटर के ऊपर उसकी क्या लिख दें प्लेस वैल्यू। तो देखिए डब्लू होता है, डब्लू की प्लेस वैल्यू 30, आर का 18, आई का 9, टी का 20, ई का 5, ठीक है, वी का देखिए होता है 22, क्यू का 17, एच का 8, एस का 18, एस का 19 और डी का 4, ये होती है इनकी प्लेस वैल्यू। देखिए अब जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू लिखी हमें तुरंत समझ में आ गया कि देखिए यहाँ W से क्या बना V, यानी 23 से 22 बना, यानी यहाँ पे हमारा माइनस वन हुआ है, 18 से बना 17, यहाँ भी माइनस वन हुआ है, 9 से बना 8, यहाँ भी माइनस वन हुआ है, इस प्रकार सभी में माइनस वन हुआ है, और पहला लेटर पहले में चेंज हो रहा है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पाँचवा पाँचवें में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये जो पैटर्न है हमारा, ये कौन सा पैटर्न है हमारा, फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। देखिए एम का कोड होता है 13 प्लेस वैल्यू, आई की 9, जे का 7, एच का 8 और टी का 20, ठीक है। अब इसे हमें चेंज करना है इसी प्रकार से, तो हर लेटर में हमें क्या करना है माइनस वन कर देना है, हर लेटर में माइनस वन। तो देखिए एम से ठीक पहले क्या आता है, एम से ठीक पहले आता है एल, ठीक है, आई से ठीक पहले क्या आता है एच, और जी से ठीक पहले क्या आता है एफ, और H से ठीक पहले क्या आता है G, और T से पहले क्या आता है S, ठीक है। तो यहाँ माइट की कोड क्या हो गया L H F G S, ठीक है, L H F G S, ये हो गया हमारा माइट का कोड। तो यहाँ पे जो हमारा फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा था और माइनस वन चल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा वाला क्वेश्चन, तो देखिए दूसरे वाले में क्या करेंगे, हम फर्स्ट से पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे 19, 8, 25, 1, 13, यहाँ पे आ जाइए 10, एक्स की 24, बी का 22, ई का 5 और पी का 16, ये हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है पहला पहले में, तो देखिए 19 से बना 10, 19 से बना 10 यानी माइनस 9 हुआ, 8 से बना 24, 8 से 24 यानी क्या हुआ प्लस 16 हुआ, तो पहले में माइनस वन फिर प्लस 16 और 25 से बना 22 यानी माइनस 3 हुआ, तो ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है हमारा, है ना, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं चल रहा है। तो देखिए हमने क्या बताया आपको कि अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं चल रहा है तो जो है हम क्या चेक करेंगे, हम रिवर्स चेक करेंगे, और रिवर्स में क्या होता है पहला लेटर लास्ट वाले में चेंज होता है। तो देखिए 19 से बना है 16 यानी यहाँ पे हुआ है माइनस 3, फिर 8 से बना है 5 यानी यहाँ पर भी माइनस 3 हुआ है, फिर 25 से बना 22 यानी यहाँ पे भी माइनस 3 हुआ है, और 1 से बना 24 यानी हर लेटर में यहाँ माइनस 3 हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, पहला लास्ट में और दूसरा जो है सेकंड लास्ट में, इसी प्रकार से चेंज हो रहे हैं, और लास्ट वाला पहले में, ठीक है। तो इसे भी हम पिंकू की कोडिंग क्या होगी, पिंकू की कोडिंग देखिए पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, पी का 16, आई का 9, एच का 14, के का 11, यू का 21, ठीक है। अब हर लेटर में जो है हमें माइनस 3 करना है, और कैसे रिवर्स ऑर्डर में, हर लेटर में माइनस 3 करना है। देखिए 16 में माइनस 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13, 13 किसका कोड होता है, 13 होता है एम का, ठीक है। फिर 9 में जब हम माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 किसका कोड होता है एफ का। फिर 14 में माइनस 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
गेरा, गेरा किसका होता है? हमारा के का, किंग्स इलेवन, याद है? ठीक है, और 11 में माइनस 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, 8 होता है एच का, ठीक है, और इसमें माइनस 3 करेंगे 21 में तो हमारा क्या आ जाएगा? 18, 18 किसका होता है? हमारा आर का, ठीक है। तो इसकी कोडिंग हमारी हो गई पिंकू की, आर एच के एफ एम। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमने देखा यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ फॉरवर्ड नहीं क्या चल रहा था, रिवर्स चल रहा था हमारा, और हर लेटर में माइनस 3 हो रहा था, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 3, 8, 1, 9, 18, 5, 10, 3, 11, 20, ठीक है, ये हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। अब हम पहले क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड। तो देखिए 3 से बना 5 यानी प्लस 2, 8 से बना 10 यानी प्लस 2, 1 से बना 3 यानी प्लस 2, यानी यहाँ पे जो है फॉरवर्ड पैटर्न ही हमारा चल रहा है, और सभी में क्या हो रहा है, हमारा प्लस 2 हो रहा है, ठीक है, सभी में प्लस 2 हो रहा है। तो यही काम हमें यहाँ पे कर देना है, टी का 20, ए का 1, बी का 2, एल का 12, ई का 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें हर लेटर में प्लस 2 कर देना है, ठीक है, हर लेटर में प्लस 2 कर देना है। तो देखिए 20 और 2 22, 22 22 किसका कोड होता है? हमारा वी का, और 1 और 2 3, 3 होता है हमारा सी का, और 2, 2, 4, 4 होता है हमारा ई का, डी का, 4 होता है हमारा डी का, और 12, 2, 14, 14 होता है हमारा एन का, और 5, 2, 7, 7 होता है हमारा जी का, G7, ठीक है, जी 5, 2, 7, 7 होता है हमारा जी का। तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा था, और हर लेटर में प्लस 2 हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेल्थ। हेल्थ को कोड किया गया है GSKZDG से। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 8, 5, 1, 12, 20 और 8, ठीक, 20 और 8, ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब नीचे भी लिख लेते हैं 7, 7, 19, 11, 26, 4, 7, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे हम क्या, फॉरवर्ड। देखिए 8 से 7 बना यानी -1, 5 से 19 हुआ यानी +14, 1 से 11 यानी +10, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस हमारा नहीं है, है ना, ये हमारा कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, -1, +14 और +11, +10। तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ फॉरवर्ड नहीं है, तो हम चेक करेंगे रिवर्स। तो देखिए क्या 8 से 7 कैसे बना -1, 5 से क्या बना 4, 5 से बना हमारा 4, ठीक है, 5 से बना हमारा 4 यानी -1, 1 से बना हमारा 26, 1 से बना 26 यानी यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ -1, फिर 12 से बना हमारा 11 यानी यहाँ पर भी हुआ -1, यानी हर लेटर में हम -1 कर रहे हैं, और कैसे, रिवर्स में, ठीक है, हर लेटर में -1 हो रहा है हमारा, और वो हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पर भी हम हर लेटर में -1 कर देंगे, नॉर्थ 14, 15, 18, 20 और 8, ठीक है। अब हर लेटर में हमें -1 करना है, और रिवर्स ऑर्डर में। तो देखिए 14 में -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13, 13 किसका होता है M का, O में -1 करेंगे, 15 में -1 14, 14 किसका होता है हमारा N का, 14 होता है N का, 18 में -1 17, 17 होता है Q का, T 20 में -1 19, 19 होता है S का, और 8 में -1 7, 7 होता है हमारा G का, ठीक है। तो नॉर्थ की कोडिंग हमारी क्या हो गई, GSQNM, ठीक है, GSQNM। तो ये हमारे हो गए टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो है हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो हम लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम लेटर के उसके ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो फॉरवर्ड में चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है, या फिर क्रॉस में चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला और तीसरा हमारे फॉरवर्ड में चल रहे थे, जबकि दूसरा और चौथा हमारे रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये दोस्तों हमारे अगले 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हार्वेस्ट को कोड किया गया है VUGXTCJ से। तो फार्मर को इसी भाषा में कैसे कोड किया जाएगा, तो देखिए हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो एच का होता है 8, ए का 1, आर का 18, वी का 22, ई का 5, एस का 19, टी का 20, ठीक है।
वी का क्या होता है हमारा 22, यू का 21, जी का 7, एक्स का 24, टी का 20, सी का 3 और जे का 10। ये हमने प्लेस वैल्यू लिख दी। अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, तो देखिए 8 से बना 22 यानी इसमें प्लस 14 हुआ, 1 से बना 21 यानी इसमें प्लस 20 हुआ, 18 से बना 7 यानी यहाँ पे माइनस हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस हमारा नहीं है फॉरवर्ड पैटर्न का। अब देखिए जब फॉरवर्ड नहीं है तो हम रिवर्स देखेंगे, तो देखिए 8 से बना है 10, 8 से बना 10 यानी प्लस 2, 1 से बना है 3, 1 से बना है 3 हमारा, ठीक है, 1 से बना 3 यानी प्लस 2, 18 से बना हमारा 20, 18 से बना हमारा 20, 18 से बना 20 यानी यहाँ भी प्लस 2, यानी हर लेटर में क्या हो रहा है हमारा प्लस 2 हो रहा है। अच्छा 22, 22 से क्या बना हमारा 24, हाँ 22 से 24, और 5 से हमारा 7 बना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हर लेटर में जो है हमारा प्लस 2 हो रहा है, और कैसे हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, पहला लास्ट में, दूसरा सेकंड लास्ट में, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर ही चलेगा। तो F का 6 होता है, A का 1, R का 18, M का 13, E का 5 और R का 18, ठीक है। अब हमें हर लेटर में प्लस 2 करना है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। देखिए 6 से बनेगा, 6 में जब प्लस 2 करेंगे तो बनेगा 8, और पहला लेटर लास्ट में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा H का होता है 8, ठीक है। अब इसमें प्लस 2 करेंगे तो बनेगा 1 में प्लस 2 3, 3 होता है हमारा C, 18 में प्लस 2 करेंगे तो होगा 20, 20 होता है हमारा T का T20, ठीक है। 13, 13 में प्लस 2 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 15, 15 होता है हमारा O, 15 होता है हमारा O। E में प्लस 2 करेंगे तो आएगा हमारा 7, 7 होता है हमारा G का, और R में प्लस 2 करेंगे तो बनेगा 20, 20 होता है हमारा T का T20, ठीक है। तो इसकी कोडिंग हमारी क्या हो गई फार्मर की, TGOTCH, और ये कैसे चेंज हो रहा है हमारा, ये चेंज हो रहा है हमारा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे, डांसर, तो डांसर को कोड किया गया है DGEPSF, तो हर लेटर के ऊपर पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। सी का 3, ई का 5, आर का 18, डी का 4, जी का 7, ई का 5, पी का 16, एस का 19, एफ का 6, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू हमने लिखी, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉरवर्ड। तो देखिए 4 से 4 बना है यानी कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, 1 से 7 बना है यानी प्लस 6 हुआ, 14 से 5 यानी माइनस 9 हुआ। इसका मतलब ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे नहीं है, फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ नहीं चल रहा है। तो हम अब चेक करेंगे रिवर्स। तो देखिए 4 से बना है 6 यानी प्लस 2 हुआ है, 4 से बना 6 यानी प्लस 2, 1 से बना 19, 1 से बना 19 यानी प्लस 18, 14 से बना 16 यानी प्लस 2। तो यहाँ पर जो है हमारा रिवर्स पैटर्न भी काम नहीं कर रहा है। अब जब रिवर्स पैटर्न काम नहीं कर रहा है तब हम चेक करेंगे क्या, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो पहले हम क्रॉस करेंगे, चेक करेंगे दो दो के पेयर के बीच, ठीक है, दो दो के, 4 से बना है 7 यानी प्लस 3, ठीक है, 1 से बना है 4 यानी प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, 14 से बना है 16, 14 से बना है 16 यानी प्लस 2, अच्छा 3 से बना है 5 यानी यहाँ भी हुआ है हमारा प्लस 2, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, 5 से बना है 6 यानी प्लस 1, 18 से बना है 19 यानी प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमारा क्रॉस चल रहा है दो दो के लेटर में, और यहाँ कैसे चला है, पहले दो लेटर में प्लस 3 किया गया है, फिर दो लेटर में प्लस 2 किया गया है, फिर लास्ट में दो लेटर में प्लस 1 किया गया है, लेटर दिया गया हमारा। हर लेटर के ऊपर हम उसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, सी का 3, एच का 8, आई का 9, एल का 12, डी का 4, आर का 18, ठीक है। अब देखिए हर लेटर में हमें क्या करना है, क्रॉस यहाँ पे करना है, और पहले दो में प्लस 3 3 होगा, ठीक है। तो 8 में प्लस 3 11, 11 होता है हमारा के का किंग्स 11, 3 3 6, 6 होता है हमारा एफ का, ठीक है। अब जो है दो लेटर हम प्लस 2 करेंगे, अगले दो लेटर में जो है हम प्लस 2 करेंगे, तो 12 और 2 14, 14 होता है हमारा एन का, और 9 2 11, 11 होता है हमारा के का, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट दो जो लेटर बचे हैं उसमें हम माइनस 1 करेंगे, तो डी 4 माइनस 1 5, 5 होता है हमारा ई का, और 18 1 19, 19 होता है हमारा एस का, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो गया हमारा KFNKSE, ठीक है, ये हो गया हमारा KFNKSE, क्रॉस में चल रहा था यहाँ, और प्लस 3, पहले दो प्लस 3, फिर दो प्लस 2, फिर दो प्लस 1, ठीक है। अब आ जाइए मदर्स पे, देखिए मदर्स को जो है सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, एम की 13, ओ का 15, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18, एस का 19, ठीक है। अब O पे आ जाइए, O का 15, L का 12, V का 22, E का 5, G का 7, O का 15, U का
21, ठीक है। ये हो गई हमारी जो है प्लेस वैल्यू। अब देखिए हम पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे। देखिए 13 से बना 15 यानी यहाँ पे होगा प्लस 2, ठीक है। 13 से 15 प्लस 2, 15 से बना 12 यानी माइनस 3, 15 से बना 12 यानी माइनस 3, 20 से बना 22 यानी यहाँ हुआ प्लस 2, 8 से बना 5 यानी माइनस 3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 हो रहा है। तो अगला में होगा प्लस 2, 5 2 7 और फिर होगा माइनस 3, 18 3 15, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है, ठीक है। कौन सा पैटर्न चल रहा है? फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है और क्या हो रहा है प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी हमें यही करना है। देखिए बी का होता है 2, आर का 18, ओ का 15, यू का 21, जी का 7, एच का 8, टी का 20। देखिए पहले क्या किया गया है प्लस 2, तो हमें पहले प्लस 2 ही करना है और फॉरवर्ड पैटर्न में। तो 2 और 2 4, 4 होता है हमारा डी का। फिर हमें करना है यहाँ माइनस 3, तो 18 में माइनस 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, 15 किसका होता है हमारा ओ का। अब फिर करेंगे हम प्लस 2, तो 15 2 17 होता है हमारा क्यू का। फिर हम करेंगे माइनस 3, तो 18, 21 में माइनस 3 करेंगे 18, 18 होता है हमारा आर का। फिर यहाँ करेंगे हम प्लस 2, 7 और 2 9, 9 होता है हमारा आई का। फिर यहाँ पे करेंगे हम माइनस 3, तो 8 और 3 होता है 5, 8 में से 3 गया 5, 5 होता है हमारा ई का। अब हम यहाँ करेंगे प्लस 2, तो 20 और 2 22, 22 होता है हमारा वी का, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ब्रॉड की कोडिंग क्या हो गई, डी ओ क्यू आर आई ई वी। और ये कैसे चल रहा था? फॉरवर्ड चल रहा था, प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रेल। तो देखिए रेल R का होता है 18, A का 1, I का 9, L का 12, K का 11, C का 3, T का 20, N का 14, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड चेक करेंगे। 18 से हुआ 11 यानी माइनस 7, 1 से बना 3 यानी प्लस 2, इसका मतलब ये फॉरवर्ड नहीं चल रहा है, ठीक है, ये सीक्वेंस सही नहीं है। अब देखते हैं हम रिवर्स। तो 18 से बना 14 यानी माइनस 4, ठीक, 1 से बना 20, 1 से बना 20 यानी प्लस 19, तो ये भी हमारा जो है लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। अब जो है हम देखेंगे क्रॉस, ठीक, अब हम देखेंगे क्रॉस। तो यहाँ पे पहले दो दो का क्रॉस देखिए, तो दो का देखिए ए से, एक से बना 11 यानी प्लस 10, फिर 18 से बना हमारा 3 यानी प्लस माइनस 15, और 12 से हम बना हमारा 20 यानी प्लस 8, 9 से बना हमारा 14 यानी प्लस 5, तो ये भी हमारा कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। अब हम देखेंगे तीन तीन की, तीन का क्रॉस करके देखेंगे। तो देखिए 9 और 2 11 यानी यहाँ हुआ प्लस 2, 18 और 2 20 या भी ये यहाँ भी हुआ प्लस 2, 1 और 2 3 या भी यहाँ भी हुआ प्लस 2, यानी हर लेटर में क्या हो रहा है प्लस 2, और जो लास्ट लेटर हमारा बचा ये डायरेक्ट ऐसे ही चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे तीन लेटर जो है वो क्रॉस हुए हैं और जो पहला लास्ट लेटर है हमारा वो एज इट इज़ चेंज हो गया है प्लस 2 में, ठीक है। तो लास्ट इसमें भी हमें यही करना है, R का 18, E का 5, A का 1, D का 4, ठीक है। अब हमें तीन तीन के क्रॉस करने हैं और सभी में प्लस 2 करना है, तीन तीन का क्रॉस करना है और सभी में प्लस 2 करना है। तो देखिए 18 में प्लस 2 करेंगे तो हमारा 20 आएगा, 20 होता है हमारा T का, 5 में प्लस 2 करेंगे 7, 7 होता है हमारा G का, 1 में करेंगे प्लस 2 तो होता है 3, 3 होता है हमारा C का, और यहाँ डायरेक्ट हमारा D चेंज हो जाएगा, 4 2 6, 6 होता है हमारा F का, ठीक है। तो रीड की कोडिंग क्या हो गई, सी एफ सी जी टी एफ सी जी टी एफ, ठीक है। तो ये टोटल 4-8 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब कुछ क्वेश्चन जो है हम और ले लेते हैं इसके। तो ये दोस्तों हो गए हमारे अगले 4 क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, वास्तु को कोड किया गया है डब्ल्यू सी वी एक्स जेड से, तो स्टेयर का कोड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो V का होता है 22, A का 1, S का 19, T का 20, U का 21, ठीक है। W का 23, C का 3, V का 22, X का 24, Z का 26, ये हमने कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए 22 से 23 यानी प्लस 1, 22 से 23 प्लस 1, 1 से 3 यानी प्लस 2, 1 से 3 प्लस 2, 19 से 22 यानी प्लस 3, 19 से 22 प्लस 3, और 20 से 24 यानी प्लस 4, ठीक है। इस प्रकार ये जो है बढ़ते हुए क्रम में चेंज हो रहा है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और फॉरवर्ड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, एस का कोड, एस का प्लेस वैल्यू 19, टी की 20, ए का 1, आई का 9, आर का 18, ठीक है। अब इसमें प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस फोर और प्लस फाइव, ठीक है। तो एस में 19 से क्या होता है 20, 20 होता है हमारा टी का, T20, ठीक है। 20 दो 22, 22 होता है हमारा वी का, और 3 एक 4, 4 होता है हमारा डी का, और 9 4 13, 13 होता है हमारा एम का, और 18 5 23, 23 होता है हमारा डब्लू का, ठीक है। 23 होता है हमारा डब्लू का। तो यहाँ पे ये हो गया स्टेयर का कोड TVDMW, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है रोस्ट। अब रोस्ट देखिए आर का होता है 18, ओ का 15, ए का 1, एस का 19, टी का 20, ठीक है। आर का 18, यू का 21, वाई का 25, क्यू का 17, पी का 16। अब यहाँ पहले हम फॉरवर्ड चेक करेंगे। देखिए 18 से 18 यानी कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, 15 से 21 यानी प्लस 6, 1 से 25 यानी प्लस 24, तो इसका मतलब फॉरवर्ड नहीं चल रहा है, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो अब देखिए रिवर्स, तो 18 से बना 16 यानी माइनस 2, 15 से बना 17 यानी प्लस 2, ये हो सकता है। यानी 18 में माइनस 2 16 बना, और 15 में प्लस 2 17 बना, और 1 में 25 यानी माइनस 2, ठीक है, और 19 से 21 यानी प्लस 2, और 20 से 18 यानी माइनस 2। तो यहाँ ये चल रहा है रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में चल रहा है। क्या चल रहा है, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ भी हमें यही करना है। एस का होता है 19, एल का 12, ओ का 15, पी का 16, वाई का 25, ठीक है। हमें करना है पहले माइनस 2, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2, ठीक है, इस प्रकार से। और ये चल रहा है रिवर्स में। तो देखिए 19 में जब हम माइनस 2 करेंगे तो हमारा आएगा 17, 17 होता है क्यू का, 12 में प्लस 2 करेंगे तो 14, 14 होता है हमारा एन का, 15 में माइनस 2 करेंगे तो 13, 13 होता है हमारा एम का, और 16 में जो है प्लस 2 करेंगे तो 18, 18 होता है हमारा आर का, और 16 में माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 होता है 14, 14 होता है हमारा एन का, और 25 में प्लस 2 करेंगे तो 27। अब देखिए 27 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेटर तो हमारे 26 से होते हैं ना, इसका मतलब 27वां लेटर कौन सा हमारा होगा, ए, ठीक है, 27वां लेटर हमारा हो जाएगा ए। तो इसका कोड हो जाएगा AnRMNQ, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स में चल रहा था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपडेट। तो U का होता है 21, P का 16, D का 4, A का 1, T का 20, E का 5, F का 6, R का 18, W का 23, C का 3, R का 18, Y का 25, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड। तो 21 से 6, 21 से 6 बना 16 से 18 यानी प्लस 2, 4 से 23 यानी यहाँ पे जो हमारा फॉरवर्ड नहीं चल रहा है, तो फॉरवर्ड नहीं चल रहा है तो हम रिवर्स चेक करेंगे। 21 से बना 25 यानी प्लस 4, 16 से बना 18 यानी प्लस 2, 4 से बना 3 यानी माइनस 1, और 1 से बना 23 यानी यहाँ पे जो है हमारा रिवर्स भी नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे हमारा रिवर्स भी नहीं चल रहा है। तो अब हम चेक करेंगे क्रॉस, ठीक है, और क्रॉस पहले चेक करेंगे दो दो के। देखिए 16 से बना 6 यानी माइनस 10, 21 से बना 3 यानी माइनस 3, इसका मतलब जो है हमारा क्रॉस दो दो में नहीं चल रहा है। तो अब देखिए हम तीन तीन में, तो देखिए 4 से बना 6 यानी प्लस 2, 21 से बना 23 यानी प्लस 2, 16 से बना हमारा 18 यानी प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, और 1 से बना है हमारा 3 यानी प्लस 2, नहीं सॉरी, 1 से बना है हमारा, 1 से बना है 25, 1 से बना है हमारा 25 यानी यहाँ पे हुआ है हमारा माइनस 2, ठीक है। 1 से 25, देखिए 1 पे माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 26, और फिर माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, ठीक है, और 20 में माइनस 2 करेंगे तब हमारा आ जाएगा 18, और 5 में माइनस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। यानी इस प्रकार से यहाँ क्रॉस चल रहा है तीन तीन का, और पहले तीन जो है प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहे हैं, और आखिरी जो तीन है वो उसमें माइनस 2 चल रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हम, यहाँ पे हमें यही करना है। बी का होता है 2, एल का 12, ई का 5, एन का 14, डी का 4 और वाई का 25, ठीक है। तो पहले दो कैसे चलेंगे हमारे, प्लस 2, पहले तीन हमारे चलेंगे प्लस 2 और क्रॉस में, ठीक है। 5 और 2 7, 7 होता है जी का, जी 7, और 2 2 4, 4 होता है हमारा डी का, ठीक है, और 12 2 14, 14 होता है हमारा एन का। अब यहाँ जो अगले तीन होंगे वो होंगे माइनस 2, ठीक है, और क्रॉस में देखिए 14 माइनस 2 कितना होता है 12, 12 होता है हमारा एल का, और 25 माइनस 2 कितना हुआ 23, 23 होता है हमारा डब्लू का, और 4 माइनस 2
दो होता है हमारा बी का, ठीक है। तो यहाँ इसकी कोडिंग क्या हो गई, जी एन डी डब्ल्यू बी एल, ठीक है। यहाँ पे पहले दो, पहले जो तीन थे वो प्लस दो हो रहे थे और लास्ट तीन माइनस दो हो रहे थे, लेकिन क्रॉस में, ठीक। अब आ जाइए एम्प्टी पे, देखिए यहाँ पे ई का क्या होता है, ई का होता है 5, एम का 13, पी का 16, टी का 20, वाई का 25, एन का होता है 14, एफ का 6, ओ का 15, जेड का 26, यू का 21, ठीक। ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड। तो 5 से 14 यानी प्लस 9, 13 से 6 यानी माइनस सात, 16 से 15 यानी -1। तो यहाँ पे फॉरवर्ड तो चल नहीं रहा है, तो रिवर्स चेक करो। देखो 5 से 21 मतलब प्लस 16, 13 से 26 यानी प्लस 13, और 16 से 15 यानी -1। तो यहाँ पे रिवर्स भी नहीं चल रहा है। तो अब हम चेक करेंगे क्रॉस का। तो देखिए पहले हम दो दो के क्रॉस करेंगे। तो देखिए 13 से बना 14, 5 से बना 6, यानी दोनों में क्या हुआ, +1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 16 से हुआ 26 और 20 से हुआ 15, यानी यहाँ पे क्या हो गया, +10, यहाँ पे +5, ये -5। तो ये तो यहाँ पे हो नहीं रहा है ना, मतलब यहाँ पे दो दो का क्रॉस नहीं हो रहा है। तो दो दो का क्रॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए अब हम देखेंगे, हाँ तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे जो है 25 से बन रहा है 26, ठीक है। 25 से बना 26 यानी +1, और 20 से बना 21 यानी यहाँ भी +1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 से बना है 14, 13 से 14 बना है +1, और 5 से बना है 6 यानी यहाँ भी +1, और 16 से बना है 15 यानी -1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पहले दो लेटर और लास्ट के दो लेटर, इन दोनों में क्रॉस हो रहा है, और 20 का लेटर जो है डायरेक्ट -1 हो गया है, ठीक है, डायरेक्ट -1 हो गया है। तो यहाँ भी हमें यही काम करना पड़ेगा। के का होता है 11, आई का 9, टी का 20, ई का 5, एस का 19, ठीक है। तो पहले दो लेटर में देखिए क्या हुआ है, +1, तो पहले दो लेटर हमारे +1 होंगे, और क्रॉस में तो 9 और एक 10, 10 होता है हमारा जे का, 11 और एक 12, 12 होता है हमारा एल का, ठीक है। अब देखिए टी तो जो है ऐसे ही हो रहा है -1, टी में -1 हो रहा है, यहाँ पे बीच वाला लेटर जो है -1 हो रहा है। तो 20 में -1 करेंगे तो 19 आएगा, 19 होता है हमारा एस का। अब यहाँ क्रॉस हो जाएगा +1 +1 का, ठीक है, -1 +1 का, नहीं नहीं यहाँ +1 था, हाँ तो यहाँ हो जाएगा +1 +1। अब देखिए 5 1 6 किसका होता है, एफ का, और 19 1 20 20 किसका होता है हमारा, टी का। तो यहाँ पे ये कोडिंग हुई हमारी काइट्स की, JLS TF, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है काफ़ी टाइप के, तीन टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जो है टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे हमने, जिसमें हमने फॉरवर्ड भी किए, रिवर्स भी किए और क्रॉस भी किए, ठीक है। इन तीनों को टाइप को जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप लेटर के ऊपर उसकी क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे कि पहले से पहला दूसरे से दूसरा तो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड नहीं है तो अब तब आप रिवर्स चेक करेंगे, ठीक है, तब आप रिवर्स चेक करेंगे, और रिवर्स भी नहीं है देन आप लास्ट में जाएंगे क्रॉस पैटर्न पे, ठीक है। तो ये हमारा चेक करने का जो है सिक्वेंस रहेगा, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए आज के। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले जो है पैटर्न जो हमारे बनते हैं, तीन चार टाइप के जो भी हैं हमारे पैटर्न, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।